एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। बदनावर के सिविल अस्पताल पहुंचकर मंत्री दत्ती गांव ने जताई नाराजगी। नमस्कार, मैं गिरिजा वाधवानी और आप देख रहे हैं एनटीवी टाइम। प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री व क्षेत्रीय विधायक राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने शनिवार को सिविल अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। दतिगांव अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने यहां करीब 8.5 करोड़ लागत से बन रहे सिविल अस्पताल के नए भवन के निर्माण कार्य को देखा तथा ठेकेदार को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके पश्चात वे सीटी स्कैन मशीन सेंटर पर पहुंचे, जहां ऑपरेटर से सीटी स्कैन को लेकर चर्चा की व सीटी स्कैन मशीन की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में आई नई सोनोग्राफी मशीन के ऑपरेटर को लेकर भी नियुक्ति के निर्देश दिए। बाद में वे अस्पताल में मरीजों से मिलने पहुंचे। इस दौरान मरीजों ने शिकायत की कि कई बार दवाई गोलियां अस्पताल से नहीं मिलती हैं, वह उन्हें बाजार से लाने के लिए बोला जाता है, जिस पर मंत्री दतिगांव ने CBMO डॉक्टर SL मुजालदे को निर्देश दिए कि अस्पताल में उपलब्ध सभी दवाई गोलियों को मरीजों को प्रदान की जाए। CBMO ने फार्मासिस्ट की कमी की बात कही तो मंत्री ने तत्काल फार्मासिस्ट की नियुक्ति के निर्देश दिए। उन्होंने यहां संचालित लैब एवं डिजिटल एक्सरे मशीन को लेकर भी चर्चा की। मंत्री दतिगांव ने डॉक्टरों से कहा कि अस्पताल में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। यहां डायलिसिस मशीन, अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन, डिजिटल एक्सरे मशीन, सर्व सुविधा युक्त लैब समेत आवश्यक संसाधन उपलब्ध है, किंतु फिर भी मरीजों की शिकायतें सामने आ रही हैं, इसलिए तत्काल इस ओर ध्यान देकर मरीजों की सुविधा को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी संसाधनों की आवश्यकता हो तो मुझे तत्काल बताएं, मैं उसकी कमी दूर करूंगा, किंतु मरीजों को इलाज में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों के अलावा आमजन उपस्थित थे।